फर्जी बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर खाते से पैसा निकालने की शिकायत मिल रही थी। पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। इसी दौरान शिकायतकर्ता ऋषभ कुमार शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा खटकरी के द्वारा शिकायत दी गई कि खाता धारक इंद्रपाल सिंह निवासी सरदमन थाना हनुमना के खाते से लगातार पिछले 2-3 महीने से चाकघाट में संचालित कियोस्क सेंटर के माध्यम से पैसे निकाले जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने साइबर की मदद से जानकारी जुटाई और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी। टीम के द्वारा सेंटर संचालक उमेश साकेत से पूछताछ की गई और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, जिसमें से जानकारी हुई कि साजिश के तहत फिंगरप्रिंट तैयार करवाए जा रहे थे। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ कर जानकारी जुटाई तो उक्त धोखाधड़ी ने मणिराज सिंह निवासी चामू थाना वारा जिला प्रयागराज शहाबुद्दीन उर्फ भोले निवासी खुल्दाबाद प्रयागराज मोहम्मद फिरोज अहमद निवासी बक्सी बाजार प्रयागराज और कियोस्क सेंटर संचालक उमेश कुमार साकेत निवासी बघेटी चाकघाट गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने आरोपियों से प्रिंटर मॉनिटर सहित अन्य सामान बरामद किए हैं, जिनका उपयोग कर आरोपियों के द्वारा खाते से पैसा निकाला जा रहा था। उक्त मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। शाहपुर अंतर्गत है, इधर के मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मामला है। इसमें खाता धारक थे इंद्रपाल सिंह, जिनके खाते से पैसे निकल रहे थे। बायो और खाता जो था कियोस्क का उपयोग वहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर से हो रहा था, हमारे चाकघाट थाना क्षेत्र से। वहाँ से उनके पैसे कियोस्क के माध्यम से निकाले जा रहे थे, जिसके संबंध में हमारे सीनियर अफसर को से बातचीत की गई और फिर SDOP अपने मऊगंज इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और फिर उसकी बारीकी से जांच की गई तो एक नया तत्व, नया जो क्राइम करने का तरीका ज्ञात हुआ, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम की कॉपी कर गई उसका उपयोग किया जा रहा था। इसमें हमने अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चारों से पूछताछ की जा रही है। इन्होंने इलाहाबाद में इस तरह के और लोगों के द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की बात बताई है, जिसका इन्वेस्टिगेशन हमने, हमारे अपराध से जो संबंधित था उसका इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया। इसमें और नए तथ्य आएंगे सामने, अभी विवेचना हमारी जारी है। और जो इलाहाबाद में इस तरीके का कृत्य हो रहा है, उधर के जिला प्रशासन को भी इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। जो जिस तरीके से इन लोगों ने कृत्य किया है उसकी जांच के लिए हम प्रयागराज में भेज रहे हैं पत्र, तो वो भी अपने स्तर से जांच करेंगे और रोकने का प्रयास किया जाएगा। कितने पैसे निकाले गए सर? अभी तक 2 लाख रुपए की जानकारी आई है सामने। अभी एक ही हमारे पास बैंक अकाउंट होल्डर आया है और हम इसके संबंध में जाँच कर रहे हैं।